हेलो एस्पायरेंट्स, 7 जन 2017 के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। 14 न्यूज आइटम्स है जो द हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की गई है। पहला न्यूज आइटम है, जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी स्लोअर एट 7.1% दिस ईयर। तो जो जीडीपी ग्रोथ होता है, पिछले साल 2015-16 फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.6% ग्रोथ रेट था और इस साल इस फाइनेंशियल ईयर पूरा होने तक एक्सपेक्टेड है कि ये 7.1% रहेगा। तो ये ग्रोथ रेट स्लो हो गई है। ये ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन अब तक का जो एक्सपेक्टेशन है वो अक्टूबर डेटा तक का है। तो इसमें जो नवंबर में डिमोनेटाइजेशन इनिशिएटिव लिया गया 8 नवंबर को जो अनाउंस हुआ उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इवन विदाउट द डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन लो है। तो ये क्लियरली आता है। जीडीपी क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी भी एक बार फिर से देख लेंगे। और दूसरा है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ भी पिछले साल के मुकाबले इस साल कम रहेगी। 2015-16 में ये 7.2% ग्रोथ रेट था जीवीए ग्रोथ रेट, और 2016-17 में ये एक्सपेक्टेड है कि ये 7.7% तक जाएगा। तो ये इसके डेटा है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये प्रोजेक्शन आता है, एस्टिमेट्स। तो ये यहाँ पे दिया गया है। इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल एट द एंड ऑफ अक्टूबर, नॉट फैक्टरिंग इन डिमोनेटाइजेशन। और जीडीपी ग्रोथ रेट ये जो एस्टिमेटेड है वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है, सर्विसेज में भी इंक्रीज है, पर मैन्युफैक्चरिंग में लो गया है, इसीलिए इवेंचुअली जीडीपी ग्रोथ रेट भी लो जा रहा है। और ये जीवीए का भी जो लो एस्टिमेट है वो दिखाया गया। अब ये जीडीपी जीएनपी क्या होता है? तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो दिस इज विद इन द कंट्री, मतलब ये ज्योग्राफिकल बेसिस पे होता है कि कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका मार्केट वैल्यू जो है उसको पूरा फाइनल एड अप करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। तो इसके अंदर मतलब अगर कोई फॉरेन नेशनल है जो यहाँ सर्विस कर रहा है या कोई फॉरेन कंपनी है जो यहाँ प्रॉफिट बना रही है, वो सब भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये जीडीपी होता है। जो जीएनपी है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब थोड़े फॉरेनर्स है जो इंडिया में, फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में, और थोड़े इंडियंस है जो बाहर है, और इंडियन कंपनीज जो बाहर प्रॉफिट बनाती है, एग्जाम्पल। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेशनैलिटी पे है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल एरिया पे है। तो ये उसके दोनों के डिफरेंस है। तो जीडीपी के बारे में और दिया गया है कि इट्स कंसर्न ओनली विथ न्यू एंड करंट प्रोडक्शन, जो भी नया प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर ही होता है। इंटरमीडिएट गुड्स भी इसमें इंक्लूड नहीं होते, मतलब थ्रू द प्रोसेस अगर रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड कुछ बन रहा है उसके बाद फाइनल गुड बन रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो दैट्स द रीजन। एंड जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सो टोटल इनकम अर्न्ड बाय नेशंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। तो जीडीपी जीएनपी में ऑफकोर्स रिलेशन है। तो अगर हम फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड को इसमें ऐड कर लें और जो फैक्टर पेमेंट जो अब्रॉड जा रहे हैं इंडिया से उसको सब ट्रैक कर लें तो जीडीपी में से जीएनपी मिल जाएगा। फैक्टर पेमेंट्स इसको बोलते हैं, जैसे अगर सर्विसेज है तो वेजेस है, प्रॉफिट्स है अगर कोई कंपनी है तो रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स ऑन एसेट्स, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और जो तीसरा टर्म था जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सो दैट इज वैल्यू एडिशन, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। सो जीडीपी और जीवीए में क्या रिलेशन है? जीडीपी मार्केट वैल्यू था, तो मार्केट प्राइस जो होती है, तो मार्केट प्राइस एमआरपी जो हम देखते हैं उसमें टैक्स भी एडेड होता है। तो टैक्सेशन जब एडेड होता है तो वो एक्चुअली वैल्यू एडिशन में, तो प्रोडक्शन में कोई उसका रोल प्ले नहीं होता है, इसीलिए टैक्सेस को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता है। गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडीज देती है तो वैल्यू एक्चुअली वो प्रोडक्ट का वैल्यू हाई होता है, पर सब्सिडीज की वजह से उसका वैल्यू डाउन जाता है, तो वो सब्सिडीज को ऐड किया जाए। तो अगर जीडीपी में टैक्सेस सब्ट्रैक्ट किया जाए और सब्सिडीज को ऐड किया जाए तो जीवीए मिल जाएगा। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। और जो लाइक और दो टर्म्स आते हैं वो है नॉमिनल और रियल। सो नॉमिनल और रियल हर में होते हैं, मतलब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, या नॉमिनल जीएनपी रियल जीएनपी, या नॉमिनल जीवीए रियल जीवीए। सो नॉमिनल टर्म जब आता है तो इट इज एट करंट प्राइसेस, जो अभी प्राइस है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है। और रियल जीडीपी जीवीए अगर होगा रियल टर्म तो वो होता है एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, मतलब एक फिक्स बेस ईयर को लेके उसका वैल्यू आता है। तो इसमें इन्फ्लेशन अगर हुआ है ओवर द बेस ईयर तो वो इसमें
रिफ्लेक्ट होगा, पर अगर नॉमिनल जीवीए करोगे तो सिर्फ करंट प्राइसेस पे, तो इन्फ्लेशन फैक्टर उसमें नहीं आता है. इन्फ्लेशन इज नॉट फैक्टर्ड इन, क्योंकि इन्फ्लेशन प्राइस राइज, इन्फ्लेशन बेसिकली इन सिंपल टर्म्स प्राइस राइज अगर हुआ है तो वो प्राइस राइज का कितना जीडीपी या जीवीए में इफेक्ट आ रहा है वो नहीं रिफ्लेक्ट होगा. ये है नॉमिनल और रियल. फिर फाइनली ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो इंडिया का रहा है ओवर द इयर्स, तो जीडीपी और जीवीए दोनों दिखाए गए हैं. और ये है क्वार्टरली जीवीए ग्रोथ रेट भी, और ये वही एक एस्टिमेट अगेन अबाउट द टू. अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट स्टेज ट्रांसफर एंड सेल ऑफ 2G स्पेक्ट्रम बाय मैक्सिस. सो मैक्सिस एक मलेशियन बेस्ड फर्म है, टेलीकॉम कंपनी, इनको 2G स्पेक्ट्रम सेल किया गया था बाय एयरसेल. तो एयरसेल को 2G स्पेक्ट्रम अलोकेट किया गया था और एयरसेल ने ये सेल किया मैक्सिस कंपनी को इन नवंबर 2006. तो ये एक्चुअली जो ट्रांसफर और सेल है इसमें करप्शन इन्वॉल्व था. तो जो मरन ब्रदर्स है, दयानिधि मरन जब टेलीकॉम मिनिस्टर भी थे, तो उनके ऊपर एलिजेशन है कि उन्होंने फोर्स किया था एयरसेल को अपना स्टेक सेल करने को मैक्सिस को. तो ये केस, करप्शन केस सीबीआई ने रजिस्टर किया है और स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ये केस सुनवाई हो रही है. पर मैक्सिस से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ नहीं रहा है फॉर दी समन्स विच आई इशूड. समन इशू किया जाता है पर कोई आता नहीं है. तो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके लिए समन्स इशू किए हैं. और जो भी ट्रांसफर और सेल है 2G स्पेक्ट्रम का जो मैक्सिस को जाएगा, वो उस पर सब पे स्टे लगा दिया है. तो उन्होंने कहा है कि इवन गवर्नमेंट को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मलेशियन न्यूज़पेपर्स में ये इन्फॉर्मेशन डालिए कि इनके लिए समन्स है और इनको प्रेजेंट होना है. तो ये एक फाइनल वार्निंग अब दी जा रही है मैक्सिस को कि वो अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट करे. तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस अर्जेंट हियरिंग ऑन बजट. सो बजट के ऊपर जो इश्यू चल रहा है फिलहाल, के 5 स्टेट्स में इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं. तो ये असेंबली इलेक्शंस के टाइम पे अगर बजट अनाउंस किया जाए तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा वोटर्स पे. सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इशू हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने इशू कर दिया है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब जारी है तो आप नए स्कीम्स वगैरह लॉन्च नहीं कर सकते, पर बजट में नए इनिशिएटिव्स लिए ही जाते हैं. तो इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज एक्सपेक्ट कर रही है और पेटिशन कर रही है, इलेक्शन कमीशन को भी पेटिशन किया है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पेटिशन आया है कि बजट प्रोसीजर को डिले किया जाए. बजट एक्चुअली लास्ट वीक ऑफ फेब में इंट्रोड्यूस होता है, पर क्योंकि गवर्नमेंट को इस साल से ये प्रीपोन करना था जो पहले ही उन्होंने बताया था, तो इसीलिए फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ही बजट सेशन इनिशिएट होगा. इवन द बजट सेशन इज प्रीपोन, मतलब पार्लियामेंट्री सेशन भी प्रीपोन किया गया है. तो गवर्नमेंट एडमेंट है, वो कह रही है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, बजटरी प्रोसेस तो होना चाहिए, वरना अदर स्टेट्स का, बाकी स्टेट्स का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है. तो असेंबली इलेक्शंस तो 5 स्टेट में ही है, बाकी सारे स्टेट्स भी अफेक्ट हो गए. तो अब इस पे और क्या होगा देखेंगे, पर फिलहाल इसमें ये न्यूज है कि जो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको अर्जेंट हियरिंग नहीं मिलेगी. जब उसका ड्यू टाइम आएगा, जब वो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी, अर्जेंट बेसिस पे ये हियर नहीं किया जाएगा, कोई अर्जेंसी नहीं है ये मैटर में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है. तो ये खाली न्यूज है फिलहाल. अगला न्यूज आइटम है आधार नाउ मैंडेटरी फॉर ईपीएफ पेंशन स्कीम. सो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है, इसके अंदर आधार नंबर लिंक करना मैंडेटरी हो गया है. तो लेबर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके अंदर ये मैंडेटरी है. तो जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, ईपीएफ स्कीम, इसके अंदर गवर्नमेंट भी एक कंट्रीब्यूशन करती है और एम्प्लॉयर भी एक कंट्रीब्यूशन करते हैं. तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% होता है और सेंटर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 1.16% होता है. तो ये मैक्सिमम 6,500 तक की है कंट्रीब्यूशन सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो अब ये सब्सिडी तभी प्रोवाइड की जाएगी जब आधार लिंक्ड होगा, वरना ये कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आएगा. तो ये एक नोटिफिकेशन है. अगला न्यूज आइटम है पतिदार स्टर हैज रन आउट ऑफ स्टीम. सो पतिदार जो है, पटेल्स भी जो इन्हें कहा जाता है, तो ये कास्ट गुजरात का एक कास्ट है जिन्हें अपर कास्ट माना जाता है. पर ये एजिटेशन चल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ हार्दिक पटेल.
जो एक 23-year-old पाटीदार लीडर है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था डिमांडिंग रिजर्वेशन। सो ये इनको गुजरात स्टेट से नो एग्जाइल किया गया था, 6 महीने के लिए उनको गुजरात में एंट्री अलाउड नहीं थी। तो अब ये 6 महीने खत्म हो रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज में आ रहा है। तो तब आनंदीबेन पटेल ये चीफ मिनिस्टर थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर पतिदार्स को ओबीसी स्टेटस चाहिए, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे, तो उनको नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास या स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास जाना होगा। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। आनंदीबेन पटेल ने भी रिजाइन कर दिया था, अनटाइमली रिजिग्नेशन आया था। और अब जो चीफ मिनिस्टर है वो है विजय रूपानी, और वो कह रहे हैं कि अभी पतिदार इशू कुछ नहीं है, क्योंकि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो भी एक पटेल है, नितिन पटेल। ये निगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है उनका पतिदार लीडर्स के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये इशू अब रिजॉल्व हो चुका है। तो अब देखेंगे जब ये 6 months एग्जाइल खत्म होगा और हार्दिक पटेल जब आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया है कि वो एक मासिव शो ऑफ स्ट्रेंथ प्रिपेयर कर रहे के लिए प्रिपेयर कर रहे। तो अब फिर से ये न्यूज में आ गया तो पता चलेगा। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर अलाउिंग सीजर ऑफ रूस्टर्स। सो जो रूस्टर्स होते हैं, कॉक फाइट जो होती है, वो एक स्पोर्ट है विलेजेस में, और ये पोंगल संक्रांति फेस्टिवल के टाइम पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सदर्न स्टेट्स में मनाया जाता है। तो ये 6,000-year-old स्पोर्ट है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो ये इसके अगेंस्ट एक पटिशन फाइल हुआ था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी ये रूस्टर्स है फाइटिंग कॉक्स, उनको प्रिमाइसेस जहां पे भी ये फाइंड आउट हो गए, उनको सीज किया जाए, मतलब उनको ले लिया जाए, कब्जे में ले लिया जाए। तो ये पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दिया गया था, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू। तो इसके अगेंस्ट पटिशन फाइल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, क्योंकि आप फोर्सफुली कोई भी प्रिमाइसेस में एंट्री करके फाइट कॉक्स को आप सीज नहीं कर सकते। अगला न्यूज आइटम है नाइव्स लाइटर्स टू बी अलाउड इन मेट्रो ट्रेन। तो ये CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने कहा है कि वुमेन को स्मॉल नाइव्स लेस देन 4 inches और लाइटर्स मैचेस अलाउ करेंगे मेट्रो स्टेशंस में, क्योंकि वुमेन को अपने प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत है। और बाकी जो लोग हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लाइटर्स मैच बॉक्सेस सीज होते हैं, तो वर्कर्स क्लेम करते हैं कि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करना, तो अब ये अलाउ किया जाएगा। अगला न्यूज आइटम है बायोफोर्टिफिकेशन की टू टैकलिंग माल न्यूट्रिशन। सो बायोफोर्टिफिकेशन मतलब कि जो भी एक कमोडिटी है उसको फोर्टिफाई करना, मतलब कि अगर समझो जैसा सॉल्ट है, तो सॉल्ट को फोर्टिफाई किया जाता है विद आयोडीन, तो आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट हो जाता है। तो ऐसे बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है, सो इट हेल्प्स इन टैकलिंग स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो इंडिया में भी हमने फाइट किया है, पहले था कैलोरी डेफिशिएंसी, तो कैलोरी इनटेक इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। फिर सेकंड आया प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से बच्चों में भी क्वाशर कर मैरास्मस जैसी डिजीजेस हो जाती है। तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के अगेंस्ट फाइट्स इनिशिएट हुआ। अब नेक्स्ट हर्डल टू ओवरकम इज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ओवरकम करने के लिए हमको बायोफोर्टिफिकेशन की मदद लेनी होगी। ये पॉइंट रखी गई इंडियन साइंस कांग्रेस जो हुआ था, 104th इंडियन साइंस कांग्रेस इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। यहाँ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, उन्होंने ये पॉइंट रखा कि इससे न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इंक्रीज किया जा सकता है। तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि न्यूट्रिशन गार्डन्स बनाए जाए, बोटानिकल गार्डन्स, जहाँ पे प्लांट्स जो रिच है विटामिन, आयरन, आयोडीन वगैरह में, उनको ग्रो किया जाए, उनके बारे में पब्लिक अवेयरनेस आई जाए। तो ये इनिशिएटिव्स उन्होंने डिस्कस किए। स्वीट पोटैटो वैरायटी को उन्होंने हाईलाइट किया, जो ये न्यूली डेवलप्ड वैरायटी है। तो ये ऑरेंज कलर्ड फ्लेश होता है, ये हाई इन बीटा कैरोटीन है, सो इट कैन हेल्प इन कम्बैटिंग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। और उन्होंने कहा है कि फूड जो है वो क्यूरेटिव मेडिसिन है, इट्स अ क्योर, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस TB जैसी डिजीज में देखा जाता है कि अगर फूड इनटेक न्यूट्रिशन इंडेक्स एडिक्वेट है तो डिजीज को भी टैकल किया जा सकता है। तो ये एक पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के सामने एक चैलेंज है, तो उनको ये नई डिजीजेस जो आ रही है उनको जेनेटिक चेकमेट करना है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से चेकमेट करके उनको नए इनिशिएटिव्स लाने हैं। तो उन्होंने हाईलाइट ये भी किया कि जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान,
उसमें और एक टैग ऐड किया गया था, लेटर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, और ऐड किया जय विज्ञान। सो साइंस को भी नहीं बढ़ावा देना है फॉर दिस पर्पज, सो ये फिट बैठता है। तो इस पे एक मेंस क्वेश्चन भी आ सकता है यू कांट से, सो ये इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। अगला न्यूज आइटम है ट्राइबल्स अगेंस्ट शिफ्टिंग ऑफ विलेजेस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज। सो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ओडिशा में, उसके बारे में न्यूज है। तो यहाँ पे विलेजर्स सेटल्ड होते, कोर एरिया जो सेंट्रल एरिया होता है फॉरेस्ट एरिया, वहां पे भी टाइगर रिजर्व में, और बफर एरियाज जो होते विच सराउंड द कोर एरियाज, वो बफर जोन और कोर एरिया में विलेजर्स जो सेटल्ड है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कोर एरियाज में से स्पेशली जो हटाया जा रहा है, तो ओडिशा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव ले रही है काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में स्टेट में, तो ये वो कह रहे हैं फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, ताकि एनवायरमेंट कोर फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए। पर जो इंडिया ने एक्ट पास किया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है, तो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स उनके लिए और शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए राइट है कि उनको लैंड पे राइट है, तो उनको लैंड राइट्स दिए जाते हैं, पट्टा दिया जाता है। तो वो काफी सारे विलेजर्स को दिया भी गया है, पर अब स्टेट गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है कि वो उनको वहां से रिलोकेट कर रहे, तो उसकी वजह से उनका ऑक्यूपेशनल डिफिकल्टीज भी आएगी, जो वो वहां पे रीजन में डिपेंडेंट है फॉर देयर ऑक्यूपेशन, वो वहाँ फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर वो रिलोकेट हो जाएंगे, तो वो अपना लैंड छोड़ना नहीं चाहते। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, टूरिज्म के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इन टाइगर रिजर्व्स, तो फिर विलेजर्स के होने से क्यों प्रॉब्लम है, उनको क्यों हटाया जा रहा है। तो ये वो डिबेट्स हो रही है इसके बारे में। तो फिलहाल यही न्यूज है कि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, और वो कह रहे हैं कि हम उनको पूरा कंपेंसेशन जो देंगे, जो रेट ऑफ कंपेंसेशन है सेंट्रल स्कीम के अंदर, वो सेम रेट ऑफ कंपेंसेशन देंगे, ताकि टाइगर रिजर्व्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रिजर्व किया जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट ओडिशा टाइगर रिजर्व्स है, यहाँ पे ये है सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा मरीन सेंचुरी जहाँ ऑलिव रिडली टर्टल्स भी पाए जाते हैं ओडिशा कोस्ट में, ये पूरे यहाँ पे। फिर ये है चिलिका लेक, यहाँ पे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतकोसिया, ये सारे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ओडिशा में। फिर अगला न्यूज आइटम है SBI HDFC banks power over M wallet fee. So M wallet mobile wallet जो होती है, तो ये mobile application सारे banks भी initiative कर रहे हैं। तो State Bank of India बाकी सारे applications में money transfer, fund transfer के लिए block कर रही है, वो कह रहे हैं कि security concerns है। तो जो transaction fees भी होता है वो उन्होंने decide नहीं किया, वो कह रहे हैं कि security concerns है, बाकी banks के apps कितने secure है हमें नहीं पता, तो हम ये इनिशिएटिव अभी नहीं ले सकते। तो ये एक्चुअली डिजिटल ट्रांजेक्शन जो प्रमोट किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट जाता है। तो लेकिन ये एक कंसर्न, अगर जेन्युइन कंसर्न है कि सिक्योरिटी फीचर स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेटअप किया रतन वटल कमेटी, तो उन्होंने सजेशन भी दिए, तो उनको उनके सामने मैंडेट है कि वो सजेशन दे के 3 साल में कैसे डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये कंसर्न को भी ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज आइटम है सेंटर क्लियर्स 26% स्ट्रेटेजिक सेल इन BEML। सो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है, यहाँ पे 54.3% गवर्नमेंट 0.3% गवर्नमेंट का स्टेक है। पर अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब स्ट्रेटेजिक वर्ड आता है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट स्टेक अगर इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेल कर रहे हैं, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो PSUs में डिसइन्वेस्टमेंट काफी बार हम न्यूज में देखते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप इतना परसेंटेज स्टेक सेल कर रहे हो कि आपका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो आप, और अब आप ऐसे सेल करोगे कि आप माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाएंगे। तो ये जब तक गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, मीन्स इवन इन द शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट का से मैक्सिमम होगा, पर अगर ये 50% से नीचे जाता है तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी से नहीं होगी। तो फिलहाल प्लान ये है कि 26% स्टेक सेल होगा, तो ऑफकोर्स ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली ज्यादा नहीं होते, सेल माइनर, यू नो, अगर 75% से स्टेक है गवर्नमेंट का, तो 10% सेल कर दिया तो 65 तक जाएगा, पर स्टिल गवर्नमेंट इज द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। तो ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट काफी हुए, पर ये तीसरा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा पिछले 12 सालों में।
तो ये हाईलाइट किया जा रहा है जो फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, गवर्नमेंट का मेजोरिटी से नहीं है, तो इट बिकम्स एज गुड एज अ प्राइवेट इनिशिएटिव. सो दिस प्राइवेटाइजेशन जो है 2003-04 में लास्ट हुआ था एनडीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर. अब ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का. तो ये जो BEML है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये तीन मेजर बिजनेसेस एरियाज में ये प्रोमिनेंट है. तो अर्थ मूवर्स है तो ऑफकोर्स ये माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, रेल एंड मेट्रो सर्विसेज में भी है, और डिफेंस एंड एरोस्पेस सर्विसेज में भी इन्होंने इनिशिएटिव्स लिया है. तो ये 1964 में एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से प्राइवेटाइज हो जाएगी. अगला न्यूज आइटम है चाइना ग्रैब्स 50% ऑफ इंडिया स्मार्टफोन मार्केट. सो इंडिया में मेजर स्मार्टफोन मार्केट शेयर सैमसंग का था, पिछले साल तक 30% शेयर था, उससे पहले नोकिया प्रोमिनेंट था, पर अब हम देख रहे हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज प्रोमिनेंट हो गई है और मोर देन 50% शेयर ये चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के पास है अब. तो ये मेजर जो कंपनीज है वो है ओप्पो, लिनोवो, वन प्लस और जियो ने. सो ये चाइनीज स्मार्टफोन मोबाइल कंपनीज है. फिर अगला न्यूज आइटम है रेलवेज में गेट 6% इंक्रीज इन बजट. तो पिछले साल अनाउंस किया गया था कि इस साल से, इस न्यू फाइनेंशियल ईयर से रेलवेज का सेपरेट बजट नहीं होगा. तो जो 1921 से सेपरेट रेलवे बजट अनाउंस होता था, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये स्टॉप हो जाएगा, एक जनरल बजट ही अनाउंस होगा, बजट रेलवेज भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा. तो जब रेलवेज बजट सेपरेट था तो वो अपना सेपरेट बजट अनाउंस करते थे, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू उनको मिलती थी, तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिलती थी, पर क्योंकि उनका कंप्लीट बजट सेपरेट था तो उनको एक डिविडेंड भी पे करना होता था गवर्नमेंट को. तो ये डिविडेंड पेमेंट अब स्टॉप हो जाएगा क्योंकि बजट मर्ज हो चुका है. लेकिन सब्सिडीज भी एक आस्पेक्ट है, तो पहले जो डिविडेंड्स भी पे करते थे तो उसमें सब्सिडीज डिडक्ट होती थी, क्योंकि रेलवेज लॉस मेकिंग रूट्स पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें उनको जो लॉसेज होती है तो वो पूरा सब्सिडाइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. तो डिविडेंड माइनस सब्सिडीज नेट डिविडेंड उनको पे करना होता है. और जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट रेलवेज को मिलता है वो लास्ट ईयर मिला था 45,000 crores मिला था, पर रेलवेज का काफी सालों से ये डिमांड है कि उनको अराउंड 1 लाख करोर मिलना चाहिए एज ग्रॉस बजटरी सपोर्ट उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. तो ये ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री इतना नहीं प्रोवाइड करती. अगले साल के लिए भी ये 48,000 करोर एस्टिमेट है कि रेलवेज को दिया जाएगा. तो ये 45 में भी उनको डिविडेंड जो पे करना होता था वो 9,731 करोर आता था फॉर लास्ट ईयर टू, तो ये फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली. तो दिस इसमें से सब्सिडीज जो थी जो लॉस मेकिंग रूट्स के लिए तो वो 4,301 करोर है. तो ये डिडक्ट होके नेट डिविडेंड पेमेंट 5,430 करोर का आता है जो उनको 2016-17 के लिए रेलवेज को फाइनेंस मिनिस्ट्री को पे करना है. पर अगले साल से जो पेमेंट डिविडेंड पेमेंट एज सच कुछ नहीं होगा. तो अब हमको वेट एंड वॉच करना है कि रेलवेज का बजट मर्ज होने के बाद, रेलवेज और जनरल बजट मर्ज हो जाने के बाद कैसे रेलवेज का फंक्शनिंग होगा, क्योंकि रेलवेज के इश्यूज है, इनएफिशिएंसी इन इट्स फंक्शनिंग, इन सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, ये सारे कंसर्न्स को एड्रेस करना है. तो रेलवेज को फंड की भी रिक्वायरमेंट है, तो फंडिंग कितना आएगा, सब्सिडीज कितनी मिलेगी, रेलवेज के प्राइसेस कैसे होंगे वो हम देखेंगे जब पता चलेगा आगे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे. तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भी मिलता है, रेलवेज मार्केट बोरिंग्स भी कर सकती है और उनका इंटरनल रेवेन्यू भी जो जनरेट होता है उसके थ्रू वो अपना फंडिंग करते हैं. फिर अगला न्यूज आइटम है डबल डिलाइट फॉर इंडियन टेलीस्कोप डेटा. तो ये जो लास्ट न्यूज आइटम है ये GMRT जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप जो है इंडिया का पुणे में, उसके बारे में. तो यहाँ से जो डेटा आया है अलॉन्ग विद द डेटा फ्रॉम चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी. सो जो ये एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है वो इन स्पेस है, तो ये नासा की ऑब्जर्वेटरी है. ये इन सारे और बाकी टेलीस्कोप्स के डेटा से पहली बार डिस्कवर हुआ है कि दो पावरफुल फिनोमिना जो यूनिवर्स में हो रहे वो साथ में मर्ज एक साथ डिटेक्ट हुए है या ऑब्जर्व हुए. तो ये एक था सुपरमासिव ब्लैक होल और दूसरा था कोलिजन ऑफ अ जायंट गैलेक्सी क्लस्टर. सो एक जायंट गैलेक्सी क्लस्टर कोलाइड हो रहा है और सुपरमासिव ब्लैक होल उसके साथ कोलाइड हो रहा है. तो ये सुपरमासिव ब्लैक होल के जो मैटर इजेक्ट हो रहा था वो स्वेप्ट हो रहा था ये गैलेक्सी क्लस्टर में.
तो ये जो दो फिनोमिना साथ में ऑब्जर्व है ये पहली बार हुआ है। हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जीएमआरटी और चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को भी समझना। तो ये जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, तो ये ग्राउंड बेस्ड है, तो ये रेडियो वेव्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो विजिबल लाइट में पॉसिबल नहीं होता फार अवे गैलेक्सीज में देखना। तो ये गैसेस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो वेव सिग्नल्स जो पहुंचते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके ये रिसीवर पे पहुंचते हैं, डिश एंटेना ये कंप्रेस करते हैं, इट्स एक्ट्स लाइक अ मिरर जैसे वेव्स लाइट वेव्स में होते हैं, तो वैसे ये रेडियो वेव्स को कॉन्सेंट्रेट करके रिसीवर तक पहुंचाती है और फिर ये इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करके उसके इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी दिखाया गया है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो यहाँ है एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यहाँ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ये रेडियो वेव्स होते हैं, फिर माइक्रोवेव आते हैं, इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट एंड देन यूवी रेज एंड एक्सरेज। तो ये रेडियो वेव्स यहाँ पे है। और ये जो जीएमआरटी है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये इंडिया में भी एस्टेब्लिश्ड है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, वहां पे ये स्टेशन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जीएमआरटी कॉम्प्लेक्स है, 30 एंटेनाज है पूरे जो यहाँ पे फंक्शनल है। फिर चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो है, ये चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस है, तो ये नासा ने लॉन्च किया है। तो ये ऑब्जर्वेटरी अगेन एक्सरेस डिटेक्ट करती है, क्योंकि एक्सरेस जो है अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होते हैं तो काफी सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्लियर पिक्चर नहीं आ सकती है। तो अगर वो बियॉन्ड दी अर्थ एटमॉस्फेयर अगर ऑर्बिट में है तो बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से बेटर है, ये एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है। तो यही आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।